हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है थर्सडे है। हाँ, आज जो है वो थर्सडे है। एंड यहाँ पे बाबू जो है वो रेडी हो गया है। येलो येलो शर्ट एंड इसके साथ में टी शर्ट, कुछ इस तरीके से लुक है इसका। एंड ब्लैक पैंट पहना है इसने। एंड मैं भी जो है वही उसी दिन की बर्थडे वाली साड़ी पहन के जो है रेडी हो गई हूँ। तो हम लोग जो है जा रहे हैं टाकल घाट। यहाँ से जो है कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है। एंड हम लोग जा रहे हैं टाकल घाट जा रहे हैं। वहाँ पे भगवान का जो है मंदिर है। तो जब से बाबू हुआ है हम लोग वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं जा पाए। लास्ट मंथ जब गए थे, लास्ट मंथ नहीं, 2 महीने के पहले जब हम लोग गए थे तब बंद था। अभी कुछ 1 हफ्ता जो है हो गया है कि वो ओपन हो चुका है वो मंदिर। एंड दर्शन वगैरह करने दे रहे हैं कुछ लोगों को। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग आज जाते हैं। विवेक जो है आज घर पे है, इस वजह से आज हम लोगों ने प्लान किया है। तो अभी जो है हम लोग चारों मिलके जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे तो मंदिर में शूट करना, फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है वहाँ पे, बट फिर भी जितना हो सकेगा मैं शूट करके आप लोगों के लिए दिखाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के लिए। ओके सब फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे मंदिर में जो है पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक एक को एंट्री अलाउड थी। तो सबसे पहले जो है मैं जो हूँ जाके दर्शन करके आ रही हूँ। विवेक जो है दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। जो फूलों वाली शॉप होती है जहाँ से हम लोग पूजा की सारी चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ पे जो है दोनों बच्चे एंड विवेक जो है वो रुके हुए थे। एंड मैं जो हूँ सबसे पहले जाके दर्शन करके आ रही हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है स्टेप से बाम्बू के साथ जो है पार्टीशन किया हुआ था दो, इसमें साइड से जो है वो लेडीज़ के लिए रोड बनाया गया था, मतलब जाने के लिए। एक साइड से जो था वो जेंट्स जा सकते थे। तो एक दो दो मतलब जा सकते थे, एक लेडीज़ एक जेंट्स जैसे जा सकते थे। बट हमारे साथ बच्चे थे तो इस वजह से जो है हम लोग एक एक करके गए थे। वरना जो है एक जेंट्स एंड एक लेडीज जा सकते थे, बट फिर बच्चों को कोई संभालने के लिए नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पहले जो है विवेक ने बच्चों को संभाला, मैं जाके आई, उसके बाद मुझे फिर मैंने बच्चों को संभाला एंड जो है विवेक जाके दर्शन करके आए। बट कुछ भी पूजा फूल अगरबत्ती वगैरह कैंडल्स वगैरह कुछ भी, नारियल वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा हम लोगों ने, बस यहाँ बैठे थे। क्योंकि जो है वहाँ पर कुछ भी चढ़ाना जो है वो अलाउड ही नहीं था एंड बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कोरोना पेशेंट्स मिले थे इस एरिया में। जैसे जो है ये मंदिर सबसे लेट ओपन हुआ है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स पाए गए थे इस वजह से। एंड आप देख सकते हो ये फ्रंट गेट है, पर उसको बंद करके वहाँ पे दो तीन सिक्योरिटी गार्ड अरेंज किए गए थे। ये जो मंदिर है वो सबसे फेमस एंड सबसे ज़्यादा माना जाता है। एंड यहीं पे मतलब बहुत से लोगों की श्रद्धा है यहीं पर, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आते हैं यहाँ पे हमेशा जो है, हर रोज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा जा रहा है। ये जो है पीछे वाला गेट है, तो यहाँ से जाने के लिए एंट्री बनाई गई है। आप देख सकते हो बाहर सबको खड़ा कर रहे हैं एंड एक एक दो दो को ही अंदर भेज रहे हैं, वो भी प्रॉपर सैनिटाइजर दे रहे हैं हाथों में। एंड एक दो जन के एंट्री एग्जिट के बाद में जो है वहाँ पे फिर से गेट पे जो है सैनिटाइजर स्प्रे किया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो है जितनी आप लोग खाली जगह दिख रही है बिल्कुल भी खाली नहीं दिख रही, यहाँ पे सारे शॉप्स लगते थे बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है।
ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो टाकर घाट से वापस आ चुके हैं। आप लोगों ने देखी होगी छोटी छोटी सी क्लिपिंग, बहुत ही प्रॉब्लम है वहाँ पे। जो है मंदिर जो खुल गया है बट टोटली नहीं खुला है कहीं पे, मतलब सिंगल सिंगल जो हमको जाने को और पूजा करने के लिए मिल रहा है। पूजा मतलब सिर्फ दूर से हाथ जोड़ के आ सकते हैं आप, जो है फूल नहीं चढ़ा सकते, माला नहीं चढ़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस जो है एक सिंगल सिंगल जो है वो जाके बस पैर छू के आ सकते हैं। और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है बहुत सी चीज़ों की, जैसे कि जो है छोटे बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं। 10 to 15 एज तक के बच्चों को जो है, सॉरी, 10 to 15 एज के बच्चों तक नहीं लेके जा सकते, प्रेग्नेंट वुमन नहीं, एंड 50 60 के अबाव जो भी लेडी है, बुजुर्ग है, उनको बिल्कुल नहीं लेके जा सकते इस टाइप से। बट थोड़े बहुत तो भी हो दर्शन हो गए हैं, वही बहुत है। एंड हम लोग आ गए थे, आते ही जो मैंने फटाफट से खाना बना लिया था, एंड अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मेरे इन-लॉज के यहाँ पे। एंड वहां से वापस आने के बाद में फिर और थोड़ा बहुत कुछ बनाना है वो बनाते हैं, तो चलिए पहले जाके आते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है वापस आ गए थे, एंड उसके बाद में जो है हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, एंड अभी जो है काफ़ी टाइम हो रहा है। बच्चे आप देख सकते हो, दोनों बच्चे जो है वो सो चुके हैं, एंड अभी जो है मैं भी जो हूँ थोड़ी देर में सोने जाऊँगी। मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है वो समेट रही थी, और सोते तक जो है पूरा घर जो है तहस नहस हो जाता है। वैसे भी वॉल्यूम बहुत कम आता है, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, बच्चे सोए हैं इस वजह से, तो पूरा घर जो होता है वो तहस नहस होता है। मैंने कपड़े सूखे हुए निकाल के लाए, यहाँ रखे हैं, ड्रेसिंग टेबल पे देख सकते हो आप, सब कुछ फैला पड़ा है। बाहर भी जो है वैसे ही है, तो मुझे सब कुछ उठाना पड़ता है। अभी हॉल का थोड़ा बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा भी बाकी है, तो अभी सारी चीज़ें समेटूंगी, उसके बाद में सोऊंगी। तो अभी जो है फिलहाल मैं बैठे बैठे अपनी नेल पॉलिश चेंज कर रही थी। आजकल जो है मैं अपने नेल पॉलिश जो है थोड़ा सा चेंज करते रहने के लिए कर रही हूँ, मतलब खुद के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एंड कल क्लीनअप वगैरह भी करने का सोच रही हूँ फेस के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही है ज़िंदगी में। एंड हम लोग जो है इन-लॉज के यहाँ गए थे, काफ़ी टाइम तक रुके वहाँ पे। एक्चुअली जो है वहाँ पे रैबिट लाया है मेरी जो जेठानी है, उन्होंने 2 रैबिट्स लाए हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट कलर में। तो पीकू जो है बहुत ही अच्छे से उनके साथ खेलती है, उसका जो है दिल लग गया है उनमें, तो इस वजह से हम लोग जो है अभी एक वीक में 2 बार तो चले ही जाते हैं हम लोग। तो बस वहीं गए थे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे बैठे, एंड फिर आ गए। जो विवेक की मम्मी जो है वो बहुत फोर्स कर रही थी हम लोगों को खाना खाने के लिए, बट मैं घर पे ऑलरेडी खाना बना के गई थी, मिक्स वेज चावल रोटी बना के गई थी, एंड गाजर जो है मैंने कीस के रखे थे कि मैं उसका हलवा बनाऊंगी, गजरेला जो कहते हैं वो बनाऊंगी आने के बाद में, बट फिर मन ही नहीं हुआ मेरा, मतलब थके थका सा फील हो रहा था, तो फिर बनाया नहीं, मैंने फ्रिज पे रख दिया है, कल बनाऊंगी मैं वो। तो फिलहाल जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको कल के एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कल जो है भैया आने वाले हैं, एंड उनके कोई एक फ्रेंड आने वाले हैं घर पे, तो भैया जब होते हैं तब मैं ब्लॉग नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे भाई को जो है नहीं पसंद है ब्लॉग में आना, एंड जब मैं ब्लॉग करती हूँ कैमरा उठाती हूँ तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। विवेक केक कटिंग के टाइम में भी आपने देखा होगा, दूर दूर तक भाई दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो आ जाएंगे कैमरा में, तो इस वजह से वो नहीं थे। तो इसलिए फिर मैं वो रहते हैं घर पे, तो मैं व्लॉग भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत कम आते हैं वो इस वजह से। तो देखते हैं कल व्लॉग बनता है नहीं बनता है। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।